बस के चपेट में आने के कारण 65 वर्षीय बिंदेश्वर शाह की मौके पर ही मौत हो गई। सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। लोगों ने बताया कि 65 वर्षीय बिंदेश्वर शाह बाजार सब्जी खरीदने गए थे, घर वापस आ रहे थे। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी कोटा झा NH77 मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित बस के चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने NH77 को जाम कर दिया और आगजनी भी की। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना मौके पर पहुंची और लोगों को शांत किया। बता दें कि मृतक मुजफ्फरपुर जिला के औराई थाना क्षेत्र के ग्राम जीवाजोट निवासी 65 वर्षीय बिंदेश्वर शाह के रूप में पहचान हुई है। देखिए हमारे संवाददाता सुधीर कुमार झा की ये खास रिपोर्ट। आप अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम पंचायत राज भरतुआ वार्ड नंबर 1 का वार्ड सदस्य हूँ जी। जो हमारे गांव के नजदीक NH77 चलती है जी। यहाँ पर रोज एक न एक घटना होती है, कभी एक्सीडेंट से कभी किसी कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, कोई व्यक्ति मर जाता है जी। आपकी मांग क्या है? आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बेरियल चौक है, लोग जिला दोनों का आपस में अपन गमन होती है। फिलहाल में यहाँ पर जान के टाइम पकड़ने के लिए हर न हर एक दिन जनता को जान लेते रहते हैं। हथौड़ी थाना कम लग बोल रहा है, कौन सा चौक है? जो एक्सीडेंट में मरे उनका नाम जानते हैं? जिला जोर पंचायत जीवा जोर वासी है। हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं। अभी घटना घटा है, 10 मिनट पहले 10 मिनट क्या हुआ है? ये रोड क्रॉस कर रहे थे, मुजफ्फरपुर से बस आ रही थी, उसको 1 महीना में हो गया 14 घटना। 14 घंटे में 14 घटना हुआ है। प्रशासन और सरकार को क्या? नहीं, प्रशासन साहब कुछ नहीं कर रहा है, एक आदमी मरा है, यहाँ कुछ नहीं। NH77 अभी जाम कर दिया गया है। यहाँ ग्रामीणों द्वारा आगजनी करके कटौझा आप अपना परिचय दें। कटौझा है, आप अपना परिचय? शशिनाथ कपूर। अच्छा, और यह चौक हुआ कटौझा? कटौझा। गाड़ी नंबर है? नंबर हम नहीं देखे। 3234 या 3334 ऐसा कुछ है। यहाँ पर हमारे सामने क्रॉस किया है, हम लोग यहीं पर क्रॉस कर रहे थे, यहीं पर थे जी। और कहना है कि अभी 2:40 में गाड़ी क्रॉस की है और यहाँ प्रशासन से आए हुए हैं। अभी प्रशासन की गाड़ी भी आ चुकी है और लोगों द्वारा NH77 जाम कर दिया गया है। ये है कि ये 4 लाइन पहले से प्रस्तावित है जी जी, और 4 लाइन के चलते गाड़ी का भी जो मात्रा है वो 4 लाइन का मात्रा है जी जी। लोग देखता है इधर तो उधर से आ जाता है, इधर देखता है उधर से आ जाता है। आए दिन यहाँ पर घटना का जो सिलसिला है ये तो छुपा हुआ नहीं है। अच्छा। और न इसके लिए प्रशासन, न राज्य सरकार, न माने जो भी तंत्र है, कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। जबकि प्रस्तावित हो चुका है, चालक को कीजिए, अगर रोड पर चौक चौड़ा है, भीड़ भाड़ है, वहाँ चलो जाइए। और एक तो गति सीमा का कहीं पर कोई ख्याल नहीं रखता कोई भी चालक, गति सीमा को ख्याल रख रहा है, साइड का ख्याल रखता है। बताइए कितना रॉन्ग में आकर के मारा, ये आपके सामने की बात है जी जी। इसलिए सरकार से भी आने की आग्रह है और गुजारिश है, मांग भी है। बताइए ये प्रशासन की गाड़ी है, ये तो जैसे करेंगे। अरे रोको गाड़ी, भगाना कि नहीं, क्या तरीका हुआ? रोको गाड़ी क्या?